आपने हमको किडनैप किया है। अरे ये हम लोग खेल तो रहे हैं। अरे ये कोई तरीका है? जो मैडम आ गए। मैडम मैडम वे क्या हुआ? अरे भागे मैडम, ये इधर क्या हुआ? मैडम खड़े हो गए। अरे मैडम, जिस आदमी ने बस को किडनैप किया था, हाईजैक किया था मैडम, वो कूद गया मैडम। हाँ मैडम, उसने हमको बोला कि बस के नीचे उतर के सब लोग लंगड़ी खेलो। हाँ जी मम्मी जी, ये खुद बस के अंदर था जी। आ गया चोपड़ा। कचालू की अम्मा मोबाइल देना, लड़की वाले फोन कर रहे होंगे। अरे आंटी, तुम्हारे गहने वगैरह तो नहीं लूट लिए उसने? अरे गहने बहने तो ना लूटे, हम तो बच गए समझ लो भाग्य से हमारे। अरे चुप रहो यार आंटी। या मॉम, वो बार बार कह रहा था मेरा नाम है चोपड़ा इज्दा, मत घुमाओ मेरा खोपड़ा इज्दा। यार बात कुछ समझ में ना आई। एक आदमी ने बस हाईजैक करी, लेकिन कोई क्राइम ना करा, कोई लूटपाट ना मचाई, बल्कि खुद एक नदी में कूद गया। बात समझ में ना आई, ये चक्कर के। अरे नमस्ते नमस्ते समुंदी जी, बीवी हांगकांग में। अरे हमारी नहीं, हमारी तो हमारे बगल में खड़ी है, बस अभी हम लोग 10-15 मिनट पहुंच जाएंगे बस। क्या? अरे अरे सुनिए अरे सुनिए समुंदी जी, समझी जी। अरे या ब्रो, व्हाट इज द प्रॉब्लम? इज द दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द? वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग पहुंचने में लेट हो गया और मुहूर्त निकल गया है। अबे तो मुहूर्त एक आध दिन में फिर निकल जाएगा, फिर कर मरना शादी, बिल्कुल तैयार हो रहे हैं। अरे नहीं मैडम, वो लोग कह रहे हैं कि अब 6 साल बाद का मुहूर्त है। क्या? हाँ अब ये शादी नहीं हो सकती मैडम। चलो जी चलो, आप घर वापस चलें, शादी कैंसिल हो गई। चलो चलो चलो। हाँ चल, किस गाड़ी में चलो? भी चलो भैया चलो। अरे यार वो बोतल कहाँ रखी है यार? सुनो चलो चलो सुनो यार। हाँ तो जाओ। बात मैडम जरा कोने में आइए ना, मतलब कोने में मत आइए। लेकिन मैडम मैं क्या कह रहा हूँ कि अब जो होना था वो तो हो चुका मैडम, अब शादी कैंसिल हो गई है तो हो गई है, हम अपनी पिकनिक क्यों खराब करें? नहीं मैडम, यहाँ पर पास में एक हिल स्टेशन है और वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सा सर्किट हाउस है मैडम, चलिए ना वहाँ पे जाके 2-3 दिन के लिए रह जाते हैं। चलो वापस चुपचाप। सर बोलिए ना प्लीज। सर सुना बेचारे की शक्लें देखिए। नहीं सर, इसे ऑर्डर में छोड़ डाला। ओके सर। ओके ओके बस बस। चलो चलो भैया, शुक्रिया, थैंक यू एवरीबॉडी। आओ भाई, यहाँ तो बहुत ठंड है। अच्छा भाई, रब रखा। मैंने कहा था ना मैडम, कहा था ना मैंने मैडम, ये कमाल का हिल स्टेशन है, मतलब कमाल की जगह है, मतलब कमाल का रिसोर्ट है। और गार्डन देखिए, कमाल का गार्डन है। कंट्रोल कंट्रोल, भिन्नी भिन्नी ठंड है जी, शाम को तो मजा आ जाएगा यहाँ दोस्त का के। सौ बे ओ, एक डिसीजन लिया कि नहीं हमने? अभी भी आप चिड़ी हुई है कि मजा आ रहा है? नहीं सर, बढ़िया जगह है, मजा आएगा। आप बैठ जाइए सर, मैं कभी और बैठ जाऊंगा। वेलकम 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 वेलकम। मक्खी मार के मैं इस रिजॉर्ट का मैनेजर पप्पू गारंटर। मक्खी मार के गारंटर? वैसे किस चीज की गारंटी लेते हो यार, अड़ोसन की या पड़ोसन की? ना अड़ोसन की ना पड़ोसन की, मैं इस रिजॉर्ट में आपके कंफर्ट की गारंटी लेता हूँ। मक्खी मार के तुम जो आए जिंदगी में, तो बात बन गई जी। नहीं जनाब, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के जी। नहीं जनाब, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए जी। नहीं। अबे ओ, अबे तू है कौन? मैं हूँ शायर टोमेटो सूप जी। नहीं, शायर टोमेटो सॉस
जी नहीं शायर टोमेटो तूफानी, ऊपर वाले का करम है, खाना बहुत गरम है। अरे मिस्टर डाला, ये आपको खुलेआम छेड़ रहे हैं, हमसे तोड़ कर आते हैं अब जाकर। अरे 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 सर, कोई पागल आदमी है सर, हम यहाँ अपना हॉलीडे एंजॉय लेने आए हैं, आप क्यों बेकार में गुस्सा कर रहे हैं? छोड़िए सर, बेकार में। मैडम ये शायर साहब है, यहाँ अक्सर आते रहते हैं, महीनों पड़े रहते हैं, पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हैं मक्खी मार के। Well, इससे पहले मॉम का दिमाग जाए घूम इस दा, आप जल्दी जल्दी बता दीजिए हमारे रूम इस दा। क्यों नहीं क्यों नहीं। अरे दिल वाले, दुल्हनिया ले जाएंगे? अरे नहीं नहीं, दिल वाले कभी ना हारे। अरे नहीं नहीं, दिल वाले फ्रॉम देहरादून, उसमें बहुत है गुण, वेटर कम बेल बॉय मक्खी मार के। अरे दिलवाले कहाँ हो, जल्दी आओ मक्खी मार के। दिलवाले सलाम साहब, सलाम मेम साहब, मैं हूँ दिलवाले देहरादूनी, कपड़े पहनता हूँ नहीं, बख्शीश तो बनता है। अबे बख्शीश भी दे देंगे, पहले कमरे तो दिखा दे, काम तो कर ले पहले कुछ। चलिए चलो भाई, चलो आइए आइए। आई एम लवर, डॉग लवर, डॉगी दिल्ली जाएगा। अरे क्यों, ये दुबे जी हैं, इसी रिसोर्ट में ठहरे हुए हैं मक्खी मार के। डॉगी दिल्ली जाएगा, आइए चलो चलो भाई चलो। चैन का चीकू, आराम का अमरूद तोड़ के, सुकून का बल्ब फोड़ के, वो करने चले आराम। आपसे वादा रहा मोहतरमा, मिलने आएंगे दोपहर सुबह शाम, ऊपर वाले का करम है, खाना बहुत गर्म है। अबे हम आपसे अभी फिलहाल मिलने आते हैं। सर सर शायर आदमी छोड़िए ना, अरे चल चले आइए आइए, ये सामान आप ले लीजिए। मोहब्बत कैसे नहीं रुकती है ना। बॉस कौवा क्रैक है। आधा वर्धा है। हमें नहीं पता था कि तुम इतना बढ़िया गाते हो। करके सुबह सुबह मिलने का वादा, क्या वादा, वाह 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 वाह, करके सुबह सुबह मिलने का वादा, आपने बदल दिया इरादा। वाह, वो अब तक आई क्यों नहीं, क्यों रहे? हमारे साथ भजिया खाई क्यों नहीं? ओके हम मिलते। अरे खुदा का रहमो करम है, खुदा का रहमो करम है कि भजिया अब तक गरम है। निहायत ही घटिया शेर है। ओ आए और हमारे ख्यालों में घुस के हमें थप्पड़ मार के चल दिए। खैर अबे बुढ़ाओ, जल्दी आ जल्दी आ, खबर दे क्या हुआ है। Ha ha ha!
शुक्रिया। अबे जेंटलमैन का कुछ पता चला? बक दे, चारों तरफ छान मारा जी, कहीं नहीं मिला ही जेंटलमैन। क्या बात कर रहा है बे? अच्छा तो सुन, पीछे की तरफ देख लिया? वाला वो झाड़ के आगे देखने बोला था, वहां देख लिया? वाला अबे वहां कुएं के पास देखने बोला था, वहां देख लिया? वाला अबे तो कौन सा चारों तरफ देख लिया बे? सॉरी, कहाँ देखा आ रहा है? कुछ पता चला जेंटलमैन के बारे में? सर जेंटलमैन का सर कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है सर, मैं सब जगह देख के आया हूँ, पता नहीं उसको जमीन खा गई कि आसमान निकल गया सर, मेरा जेंटलमैन तो पता नहीं। एक्सक्यूज मी बिल्लू, रो मत, क्या हुआ? चिंता मत कर, तेरा भैया है वो, क्या हुआ बता? भैया कल को आपको कुछ भी हो जाए ना तो मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जेंटलमैन वाला खुश, दिल खुश हो गया है प्यार? अरे कुछ काम के नहीं हो बे गुलगुले? वो ढूंढ के लेकर आ जाए यार गुलगुले। अबे गुलगुले, अबे वो गुलगुले कहाँ है बे? हैं सर, शी इज कमिंग। गुलगुले क्या हुआ, कुछ पता चला? अबे गुलगुले कुछ बताओ, कुछ पता चला? सर जेंटलमैन गुलगुले, तुम्हारी खामोशी मेरी जान ले लेगी। गुलगुले जल्दी बोल, क्या बात है? ये कुछ नहीं बोल रहे, ये कुछ भी नहीं बोल रहे, इसका मतलब जेंटलमैन में कुछ नहीं बोल रहा। नहीं मैं बोल रहा हूँ ना सर, जेंटलमैन का कहीं कुछ पता नहीं चला सर। आपकी वजह से हुआ गुलगुला जी, आपकी वजह से। आपको हिल स्टेशन आना था, आपको पिकनिक मनानी थी, आप जेंटलमैन को यहाँ तक लेके आए मौत के मुंह में। अगर वो चौकी में होता ना तो उसका कोई बाल भी भागा नहीं कर सकता था, ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपकी। मैडम के सामने तू भी तो कह रहा था ठंडी हवा होगी मैडम, मजा आएगा, मस्त समा होगा। हाँ वो तो मेरे मुंह से निकल गया था, लेकिन ये आपका किया था रहा है, सब आपने किया है, सब जेंटलमैन को मेरा जेंटलमैन। अबे झगड़ा बंद करो बे। ये सोचो जब मिस चौटाले को मालूम पड़ेगा तो वो क्या करेंगी? वो भैया के गले में पट्टा डालेंगी जेंटलमैन का। वाला कैरी ऑन वेल। Carry on. हद हो गई है यहाँ पर, हद हो गई है। इतना जो है मजे में, हॉलीडे मूड में सब बिल्कुल भूल गए कि एक कुत्ता भी साथ में, एक जेंटलमैन चोरी हो गया, वो किडनैप हो गया। Well, mom, I am sorry is the truck car lorry is the लॉरी लेके जो है ना थारे ऊपर चढ़ा दूंगी मैं लॉरी। सॉरी, बातें मिला रहे हैं बस यहाँ, ट्रक कार लॉरी। और आप ये कैसा मैनेजर साहब, ये रिजॉर्ट चला रहे हो यहाँ पे हैं? कैसी व्यवस्था, सिक्योरिटी चल रही है? एक किसी का जो है डॉगी गुम हो गया, एक किडनैप हो गया, एकदम आपके रिजॉर्ट के नीचे से आपको पता ना लग रही? मैडम इसके पहले हमारे रिजॉर्ट में कभी ऐसा नहीं हुआ मक्खी मार के। क्यों दिलवाले? हाँ मैम साहब, साहब जी बिल्कुल ठीक बोल रहा है। हाय हाय, यहाँ से कपड़े चोरी होते हैं, अटैचियां चोरी होती हैं, इनका विग भी चोरी हुआ हुआ है, लेकिन कुत्ता आज तक चोरी नहीं हुआ। बख्शिश तो बनता है। मैडम मुझे तो ये शायर के ऊपर शक है, क्योंकि शायरी वारी तो इसकी दो कौड़ी की है, ये चोरी कर करके ही अपना खर्चा चलाता होगा। अरे क्या
बात करते हैं हुजूर, माना कि हम शायर दो कौड़ी के हैं, लेकिन चोरी और हम तौबा तौबा तौबा। तो खर्चा कैसे चलाते हो? क्लबों में नाचता हूँ, ऊपर वाले का करम है, खाना बहुत गर्म है। अगर पता होता कि ये पुलिस वाले हैं तो कभी शायरी की शाह भी नहीं करता। शाह शाह खा खा। अरे तो कहाँ गया यार जेंटलमैन? कौन ले गया उसे? किसने कर लिया उसे किडनैप? मिल गया मैडम, चोर मिल गया। डॉगी चोर। लीजिए मैडम, चुप चुप के सुन रहा था। इसने चोरी किया जेंटलमैन को, ये मिस्टर दुबे। नहीं नहीं मैडम, मैं कैसे चोरी कर सकता हूँ? मैं तो खुद डॉग लवर हूँ। मैंने जब से सुना है कि वो डॉगी किडनैप हो गए, मैं खुद परेशान हो गया हूँ। डॉगी दिल्ली जाएगा। डॉगी दिल्ली जाएगा? मैडम बार बार ये आदमी कहता है डॉगी दिल्ली जाएगा, इसका मतलब इसने जेंटलमैन को किडनैप किया और दिल्ली भेज भी दिया है। मिस चौटाला, एक सवाल हमारे दिमाग में बार बार आ रहा है कि अगर जेंटलमैन को किसी ने किडनैप किया है तो जरूर जेंटलमैन से उसे कुछ फायदा रहा होगा, वरना हमारे प्यारे से पप्पी को किडनैप कौन करेगा बे? हैं? अरे सर, एक कुत्ते से किसी को हो सकता है फायदा। वो अपना कहाँ था वो उस समय जब ये तुम लोग जब लंगड़ी टांग खेल रहे थे हैं बस से निकल के, तब जेंटलमैन कहाँ था वो हाईजैकर? मैडम आप भी ना एक नंबर कीजिए, बोली है मैडम वो बस में ही था ना, मतलब वो लंगड़ी टांग कैसे खेलेगा? इसका मतलब जब तुम लोग बाहर लंगड़ी टांग खेल रहे थे तब वो हाईजैकर जेंटलमैन के संग बस में अकेला था। उसके कुछ वक्त बाद हाईजैकर नदी में कूद जावे, फिर जेंटलमैन को किडनैप करने की कोशिश की जावे और फिर जेंटलमैन किडनैप हो भी जावे। कहीं ऐसा तो नहीं कि जेंटलमैन और उस हाईजैकर का ही कुछ लेना देना? जेंटलमैन इसका हसीना से लड़के मेरे नैन इसका। बहुत ठंड है यार, आज तो दो टकाने के बाद भी ठंड नहीं जा रही यार। इतनी बर्फ गिरते हुए मैंने कभी नहीं देखी यार। Well, what is the happened is the, क्या मम्मी जी ने तुम्हें कर दिया है सस्पेंड is the? नहीं भैया, मैं तो कुछ और ही सोच के रो रहा हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मैं क्यों रो रहा हूँ। आप मुझसे पूछना भी मत कि मैं क्यों रो रहा हूँ, क्योंकि आप कितनी भी जिद जबरदस्ती करेंगे तो भी मैं बताने वाला नहीं हूँ कि मैं क्यों रो रहा हूँ। बस नहीं नहीं पुत्र बताना, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ ना, तू मुझे भैया कहते ना, बताओ क्या बात है? भैया कितनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है ना, मैं तो कांप रहा हूँ। मैंने आज तक इतनी बर्फ गिरते हुए नहीं देखी। जेंटलमैन बेचारा तो जम गया होगा। कोई भी जम चाय आ गई। बहुत ठंड है यहाँ, हमेशा इतनी ठंड बर्फ पड़ती है। ये बर्फ नहीं गिर रही है, ऊपर पुताई का काम चल रहा है, चूना गिर रहा है नीचे। बेवकूफ। क्या कह रहे थे तुम? भैया मैं ये कह रहा था कि मैं जेंटलमैन को ढूंढ रहा था तो मैं थक गया, तो एक पेड़ के नीचे मैं ऐसे ही सुस्ताने के लिए बैठा तो मेरी आंख लग गई, तो मैंने एक सपना देखा। क्या सपना देखा? नहीं भैया आप जाने दीजिए, आप मत पूछिए। देखो मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। बताओ क्या बात है? भैया आप इतनी जिद कर रहे हैं ना, तो मैं आपको बता देता हूँ। तू मेरे बारे में ऐसे सपने देखता है, मैं पट्टा बांध के बैठा हूँ,
हैं? हासरा ऊपर से हैं? हासरा ऊपर से हासरा ऊपर से ये पट्टे के अंदर क्या है? ये क्या है भैया? Oh my gosh! What is this? ये क्या है भैया? वो चिट सी लग रही है. चिट? Ah, this one. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.